हमारे अगले कंटेस्टेंट्स ने ऑडिशंस में मिट्टी से ऐसी कलाकारी दिखाई कि सभी दंग रह गए, और इनकी इन मिट्टी मिट्टी बातों में छुपे मानवता के सच से हमारे जजेस बहुत इंप्रेस भी हुए। आप लोगों ने इंडियाज गॉट टैलेंट कोच 2 में विनर बन के जन्म लिया। स्पीचलेस, कमाल किया। शायद मैंने जिंदगी में पहले कभी ऐसा क्रिएटिव आर्ट फॉर्म नहीं देखा है जहाँ पर मट्टी रेत इस्तेमाल की जा रही है। ये छोटा सा सैंड लगा के हम बहुत ही बड़ा यूनिक टाइप का कुछ मैसेज देंगे। मैं फिलहाल नहीं सोच पाती हूँ कि इसको कैसे बेटर कर पाएंगे। मैं देखना चाहती हूँ कि उसको वो बेटर कैसे करेंगे। ट्राई कर रहे हैं अपना और अच्छा दिल से लगन से करने के लिए। तो स्वागत कीजिए उड़ीसा के सैंड स्कल्प्टर्स मानस कुमार साहू एंड ग्रुप। मुक्त वायु में पनपती गुनगुनाती पुष्प बेले, वृक्ष की छाओ में खिलते सूर्य की कोमल सी किरणें, फिर ना जाने किसने इस धरती पे ये खंडर बनाए। चुप है चंचल सी पवन, अब सिर्फ फैक्ट्रियों का धुआं है। खेत उजड़े रेत रोई, हर जगह फैला जहर है, और ये धरती बंजर बन गई है, और चारों तरफ है बस अंधेरा। और देखो वहां खाना है कितना कि फेंका जा रहा है, और यहां दो बूंद दूध तक को ननहा तड़प रहा है। क्या पिलाएगी इसे मां? बस आंसुओं की है ये धारा। धरती हारी, सृष्टि हारी, जिंदगी से ये ननहा भी हारा। कितने फैले हाथ हैं और एक में है धन का सुख। जितने लोगों में बांटेगा हो सकेंगे सबके कम दुख। किंतु इतना सोचता भी कौन है? क्यों दें किसी को? हाथ खींचो, दांत बेचो, मरने दो बाकी सभी को। एक दिन हाथों में भरा रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ धन। रुपयों की रोटी बना के पेट की फिर आग बुझाना, लुप्त वायु में पनपते सूखे सपनों को निकलना, और खाली थालियों में मानवता बस अपनी मौत को चखना।
हमारे जजेस को क्या कहना है इस एक्ट के बारे में? जो आपने सोशल टिप्पणी की है उसे वाकई में आपने कला में बदला है, क्योंकि ये कोई भी जो आप एक एक फ्रेम बनाते थे वो एक आर्टिस्ट की पेंटिंग लगता था। एक्सेलेंट टीम वर्क, वेरी वेल डन, वेरी वेरी। थैंक यू मैडम। सोनाली जी, मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। मैं तो चाहती हूं कि आप आगे जरूर जाए, और जब आप आगे जाए तो थोड़ी सी एक होप की किरण भी अगली बार आपकी स्टोरी में दिखा दीजिएगा, बिकॉज आई लाइक हैप्पी एंडिंग्स। थैंक यू मैडम। साजिद भाई, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, आप लोगों को नहीं, जनता को ये कहना चाहता हूं, और जनता को ये कहना चाहता हूं कि इंडियाज गॉट टैलेंट खोज 2 एक ऐसा शो है जहां पर हम इंडिया का सबसे टैलेंटेड यूनिक एक्ट ढूंढ रहे हैं। वाकई में ये चार लोग जो कर रहे हैं वो बहुत 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 यूनिक है, और ये चार लोग बहुत टैलेंटेड हैं। तो प्लीज़ इनके लिए SMS कीजिए, और इन्हें हो सके तो विजेता बनाइए, बस इतना ही कहूँगा। थैंक यू सर। आपको इनका यूनिक एक्ट कैसा लगा दीपिका? मैं इसके पहले बहुत इतने सारे टैलेंट शोज पे गई हूँ, पर आज तक मैंने ऐसी चीज़ कभी मैंने देखा नहीं है। सो कंग्रेचुलेशंस, एंड आई रियली होप यू ऑल मेक इट टू द फाइनल्स। नील, मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ, एक पेंटर हूँ, और मैं जानता हूँ कि एक पेंटिंग बनाने में कितना समय जाता है।